नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की, जहां कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली के ससुराल वालों से मुलाकात की है, बातचीत की, जिस बीच सोनाली की सास बोलती नजर आई है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। और वहीं अगर हम बात करें सोनाली फोगाट की बहन के, जो इस वक्त राजनीति में उतर रही हैं, साथ ही परिवार का आरोप है कि सिर्फ आदमपुर उपचुनाव के लिए ही राजनीति देखने को मिल रही है। कुलदीप बिश्नोई ने भी यही बात कही कि उपचुनाव तक यही चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे कि क्या हो रहा था और क्या होना है। यहाँ पर सब लोग सिर्फ चुनाव की वजह से राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि सोनाली फोगाट की सास मायके वालों से काफ़ी अलग हो चुकी हैं, उनकी बात कुछ अलग है और यहाँ मायके वालों की बात अलग है। लेकिन लगातार जिस तरह से उनकी सास ने बोला है, उसे समझ आया है कि अभी परिवार के बीच में कुछ बड़ा जो है होने वाला है, पारिवारिक मामला बढ़ सकता है। सिर्फ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।